नमस्कार बच्चों, कुमार स्टडी जोन में आपका स्वागत है। जस्ट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू द लेसन दैट नेम इज ब्रिंगिंग ऑफ कार की इन दिस वीडियो। देखिए आज जो है हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ब्रिंगिंग ऑफ कार कैरी, ब्रिंगिंग ऑफ कैरी। तो देखो ब्रिंगिंग ऑफ मीन्स क्या होता है, लुक आफ्टर करना, देखभाल करना, ठीक है। ब्रिंगिंग ऑफ मीन्स लुक आफ्टर करना, देखभाल करना। कैरी की देखभाल कैसे की जाती है वो देखेंगे इसमें। तो देखिए शॉर्ट समरी देख लीजिए। कैरी फाइव ईयर्स कैरी अ फाइव मंथ ओल्ड बेबी एलिफेंट्स लिव्स एंड ग्रो अप विद हिज नाइन ईयर्स ओल्ड फ्रेंड्स एंड कीपर। देखिए जो कैरी है वो क्या है, पाँच मंथ का बेबी है, अभी 5 महीने का बच्चा है एक तरह से, और वो रहता है और उसका लालन पोषण जो है नाइन साल जो 9 ईयर्स का जो उसका मित्र है उसके द्वारा किया जाता है, और वो उसका कीपर भी है। तो कैरी डजेंट ईट मच, ज़्यादा तो नहीं खाता है वो, जस्ट अबाउट 16 किलोग्राम टू डिलीशियस। ये 16 किलोग्राम खाता है केवल, क्या डिलीशियस कहते हैं जो स्वादिष्ट जो ट्विंक्स जो टैनियाँ होती हैं। प्लेफुल एंड सेंसिटिव कैरी सेव ए बेबी फ्रॉम ड्राइविंग। वो क्या कहता है, जो प्लेफुल है और सेंसिटिव भी है। प्लेफुल माने खेलता भी है और बहुत ही मतलब उसके अंदर फीलिंग्स भी है। कैरी सेव द बेबी सेव ए बॉय, लड़के को बचाता है जो ड्राइविंग माने डूब रहा था। तो देखिए जो बच्चों एक बात और भी है, जो ड्राइंग जो इसमें लिखाना, जो अगर आदमी डूबता है तो ड्राइंग कहते हैं और कोई वस्तु डूबती है तो सिंक कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको इसमें। अब देखिए अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग से, इसको लाइन टू लाइन इसका अर्थ निकाल के बताएंगे। यहाँ से देखिए, कैरी द एलिफेंट फाइव मंथ व्हेन ही वाज गिवन टू मी टू केयर ऑफ, केयर ऑफ माने लालन पोषण करने के लिए। जब मुझे वो लालन पोषण करने के लिए दिया गया था तो वो कितने का था, वो 5 महीने का एक बच्चा था, और मैं कितने का था, मैं 9 साल का था इसमें लिखा है, ठीक है। आई कुड रीच बैक, मैं उसके कहाँ है पीछे तक पीठ तक पहुँचता था, यदि मैं खड़ा हो जाता किस पर, टिप टो माना अंगूठा के बाद अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो मैं उसके पीठ तक पहुँचता था। ही सीम टू रिमेन्स दैट हाई फॉर नियरली 2 ईयर्स, और वो वैसे ही 2 साल तक रहा मतलब, ठीक है। वी ग्रो टुगेदर, हम दोनों साथ साथ बड़े होते हैं। दैट इज प्रोबेबली वाई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टू टैल ही वॉज, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि वो कितना ऊंचा है, क्योंकि दोनों साथ साथ बड़े हो रहे हैं। ही लिव्ड इन ए पेवलियन में रहता था, पेवलियन एक मैदान टाइप का होता है, वहाँ रहता था, और जो पेवलियन पे क्या अटैच किया था, एक छप्पर पड़ा हुआ था, और जो छप्पर है वो किस पर टिका था, जो पेड़ के जो स्टम्प कहते हैं, जो पेड़ के जो बड़ी बड़ी वे होते हैं पिलर होते हैं उन पर टिका था, वो इसलिए टिका रखा था सो दैट इट कुड नॉट फॉल व्हेन द कैरी बम्प्ड माने टकराना अगेंस्ट द पिलर्स एज ही मूव्ड। देखिए जो पेवलियन कहते हैं, जैसे स्टेबल हम कहते हैं घुड़साल को, वैसे पेवलियन एक ऐसा स्थान होता है जहाँ हाथी को खड़ा करते हैं, तो उसके ऊपर छप्पर डाल रखा था, और छप्पर जो टिका रखा था वो बड़े बड़े उसको पिलर पर टिका रखा था उसके लकड़ी के, ताकि वो जब घूमे हाथी तो वो छप्पर गिर ना जाए, इस तरह का मतलब है। अब देखिए नेक्स्ट आगे क्या करना चाह रहा। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स कैरी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ द वाइफ। देखिए एक बात यह है कि कैरी जो क्या बताता है, पहली बात यह है कि जो कैरी किसको बचाता है, एक लड़के को बचाता है, अब वाइफ माने से एक लड़के को बचाता है। कैरी नॉट ईट मच, अधिक तो नहीं खाता था, नेवरथलेस नीडेड 40 पाउंड्स ट्विंग्स, फिर भी अधिक नहीं खाता था, किंतु 40 पाउंड जो ट्विंग्स होती है उसकी ज़रूरत होती थी उनको चबाने के लिए, ठीक है, और उनके साथ खेलने के लिए। एवरी डे आई यू टू टेक हिम टू द रिवर, मैं प्रत्येक दिन कहाँ ले जाता था, उसको रिवर में ले जाता था इन द मॉर्निंग सुबह को, और बाद उसको नहलाता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड्स एंड बैंक्स एंड रब्ड हिम विद द क्लीन सैंड्स ऑफ द रिवर्स फॉर एन आवर। देखिए वो क्या है कि किनारे पर, नदी के किनारे रेत पर लेट जाता था, फिर मैं उसको जो चमकीला रेत होता था उसके 1 घंटे तक रगड़ता था। After that, he would lie in the waters for a long time, और लंबे समय तक वो क्या है पानी में रहता था। उसके बाद on coming out his skin would shining like, और जब वो आता था तो उसकी जो खाल थी वो कैसी चमक जाती थी, एबोनी के समान। तब वो क्या करता था, ही वुड स्क्वायरल मीन्स ट्रम्प करना, धाड़ना चिंगाड़ना चिल्लाना, वो चिल्लाता था खुशी से, विद प्लेजर मीन्स खुशी से चिल्लाता चिल्लाता था। अब देखिए आगे, आई रब्ड वाटर डाउन सीज, अब मैं क्या करता था उसको फिर पानी में ले जाता था। देन आई वुड टेक सिम्स
बाई एन ईयर, तब मैं उसको कान से पकड़ता, बिकॉज दैट द इजिएस्ट वे टू लीड द, ये सबसे अच्छा तरीका होता है एलिफेंट को लीड करने का, एंड लीव हिम ऑन द एग्ड टू द, और उसको जंगल में क्या छोड़ देता था उसको, फिर मैं जंगल में छोड़ देता, वाइल आई वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट सम डिलीशियस ड्रिंक्स फॉर उसके डिनर के लिए, मैं क्या उसको कुछ शाखाएं लेने चले जाता था, डिलीशियस ये लस्सी लस्सी कहते हैं जो स्वादिष्ट टहनी होती है, उसको मैं लेने चला जाता था उसके डिनर के लिए। वन हैड टू हैव अ शार्प हटर, एक मतलब उसके लिए क्या है, जब जो टहनी लेने जाता था उसके लिए किसी व्यक्ति को एक तेज उसके पास कुल्हाड़ी होनी चाहिए लकड़ियों को काटने के लिए, तभी क्या करता था, इट टुक हाफ एन आवर, एक घंटे तक उसको तेज करता रहता था हेटेज, बिकॉज द ट्विंग्स इट मल्टी, क्योंकि जो अगर वे मल्टीलेटेड कहते हैं मतलब जो कटी पटी टहनी होती थी, एलिफेंट डिड नॉट टच, जो अनसेंट मतलब एक तरह से गलत उबड़ खाबड़ वाली जो टहनी होती थी, जो सही तरह से नहीं कटिंग होती थी जिनकी, उसको खाता नहीं था, टच नहीं करता था आती, इसका मतलब ये है। अब देखिए यार नेक्स्ट क्या करना चाह रहा हूँ, इट वॉज नॉट इजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग्स फॉर कैरी, इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर कैरी, देखिए इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर कैरी, ये देखिए ये आसान नहीं था, ये ट्विंग कहते हैं टहनी को प्राप्त करना, ये जो सैपलिंग्स कहते हैं जो छोटे छोटे वृक्ष होते हैं के लिए, उनको प्राप्त करना आसान नहीं था। आसान क्यों था, आई हैड टू क्लाइम ऑल काइंड ऑफ ट्री टू गेट द मोस्ट डिलीशियस एंड टेंडर, मुझे अलग अलग बहुत तरह से पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था जो टेंडर ट्विंग्स लेने के लिए, क्योंकि टेंडर ट्विंग्स ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर मिल सकती थी। एच ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग, और उसको क्या है कि उसको बहुत ही शौक था किसका, ब्रांच जो बनाना ट्री विच ग्रो लाइक द कैथेड्रल ऑफ लीव्स एंड ब्रांचेज, देखिए जो बनाना के ट्री होते हैं उसकी ना किसी के लिए कैथेड्रल लीव्स है और ब्रांचेज है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा पसंद करता था खाना वो, आई वॉज गैदरिंग सब, मैं इकट्ठी करता था उनको, ठीक है कुछ को। वन स्प्रिंग डे इन मार्च आई सडनली हियर्ड अ कैरी कॉलिंग टू मी, एक स्प्रिंग की दिन की बात करते हैं बसंत ऋतु में मार्च में, तो मैं सुना क्या क्या सुना, कॉलिंग टू मी, मुझे बुला रहा था इन द डिस्टेंस, कुछ दूरी से बुला रहा था, एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, देखिए वो क्या है कि एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग द कॉल वॉज मोर लाइक दैट ऑफ ए बेबी देन एलिफेंट, देखिए वो क्या है कि जो उसकी पुकार थी वो एक एलिफेंट के समान एक बच्चे की ज़्यादा लग रही थी, मतलब एक बेबी की आवाज़ आ रही थी, आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, देखिए उस मैंने क्या सोचा कि आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग, कुछ कोई व्यक्ति जो हर्टिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है, और इसको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।